नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नीति राजनीति में। नीति राजनीति में हम चर्चा करेंगे सरकार की नीतियों की। अगर बात की जाए तो राजनीति में जिस तरह से उठापटक चल रही उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बताएं तो नीति राजनीति में हम हर बार आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जिनकी बात की जाए तो वो लगातार किस तरह से जनता के बीच में रहते हैं, किस तरह से उनका राजनीतिक करियर होता है और किस तरह से लोगों के बीच में उनका कितना महत्व होता है। ऐसे ही एक शख्स से आज आपको हम मिलाएंगे जो अपने कामों से जाने जाते हैं, नाम तो बाद में, लेकिन कामों से लोग उनको हमेशा अपने दिल में याद रखते हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबा समय है राजनीति में और काफ़ी लंबे समय से कामों को लेकर वो लोकप्रिय भी रहे हैं। ऐसे शख्स से आज हम आपके मुखाबिब कराएंगे, आज आपको मिलाएंगे कि उनका किस तरह से राजनीतिक करियर जो है रहा है और अब जिस तरीके से सरकार की नीतियां किस तरह से हैं, किस तरह से देश की राजनीति में उठापटक चल रही है, इस पर चर्चा कराएंगे। सबसे हम आपको मिलाते हैं उस शख्स से, हमारे साथ मौजूद हैं खुद जो है उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी। सर, आपका आवाज़ इंडिया टीवी में स्वागत है। नमस्कार। अगर बात की जाए सर, जिस तरीके से चर्चा शुरू करते हैं, ऐसे में कामों को लेकर आप काफ़ी जाने जाते हैं क्योंकि उत्तर मुंबई के विकास में काफ़ी लंबा योगदान रहा है। जी। ऐसे में अगर किस तरह से देखते हैं एक पार्षद से लेकर सांसद तक की जो अवधि रही है, जो गतिविधियां रही हैं, किस तरह से अपने आप को इसमें जो है आपने संवारा और किस तरह से अपने आप को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। देखिए, मैं राजनीति में तो कोई राजनीति करने के लिए नहीं आता। राजनीति ना तो मेरे घर में कभी पनपा है और ना ही मेरा वो स्वभाव था, ना तो हालात थे जब मैं राजनीति में आया। मैं तो जिस झुग्गी बस्ती में रहता था वहाँ पर सारे समस्याओं का अभाव था, तो उसको प्राप्त करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर गया। और स्वाभाविक है कि मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, तो खून में ही था, ब्लड में ही था। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलने के बाद में जिस तरह का मदद उन्होंने, उन दिनों के विधायक राम नाईक जी थे बुरेली के, और उन्होंने मुझे मदद किया और काम धीरे धीरे होता गया। और मेरे परिसर का काम होता देखकर मुझे लगा कि अन्य लोगों का भी होना चाहिए और पार्टी के लोगों ने कहा कि आपको पार्टी में ज्वाइंट होना चाहिए। और मुझे बोरेली भारतीय जनता पार्टी का सेक्रेटरी के रूप में स्वीकारा गया और मैं काम करते गया। और 1992 में पहली बार जब चुनाव के लिए टिकट दिया गया, तब भी मैंने कहा था कि चुनाव लड़ना ही मेरा काम नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जो मतदार संघ था उसमें ना तो हमारे कोई समाज के लोग थे, ना तो मैं कोई बहुत बड़ा बाप का बेटा था जिससे मेरी लोकप्रियता उन दिनों में तो बिल्कुल जीरो था, तो मेरा तो काम ही नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पार्टी के सब कार्यकर्ता मेरे साथ मेरे डटे रहे, मेरा जो काम करने का तरीका था, मेरा जो स्वभाव था। और पार्टी के कार्यकर्ता पहले दिन से ही साथ में रहने की वजह से ही मुझे लगता है कि मैं इतना सफल पार्षद से लेकर सांसद तक का जो मेरा सफ़र रहा उसमें सबसे बड़ा रोल पार्टी के कार्यकर्ताओं का था। और पहले दिन से ही जब मैं पार्षद का चुनाव पहली बार जीता, जिस प्रकार से लोगों ने मुझे साथ दिया और चुनकर आने के बाद में जितना हो सका उतना मैं काम करने का प्रयास किया, सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर चलने का एक पहले दिन से ही स्वभाव रहा और सभी काम को चैलेंज के रूप में स्वीकार कर उसका न्याय निपटारा करना, ये मेरा मूल स्वभाव रहा है। और काम करते गया, लोकप्रियता बढ़ते गई, 3 बार पार्षद रहा, 2 बार विधायक रहा और हर बार कठिनाइयों का सामना करके ही चुनाव मुझे जीतना पड़ा। क्योंकि मैं पहली बार चुनाव लड़ा तब भी पार्षद कांग्रेस की वहाँ पर थी, दूसरी बार तो फिर मैं ही था तो मैं जीता गया। जब विधानसभा का चुनाव आया तब भी एक स्थितियाँ ऐसी निर्माण हुई पार्टी के उन दिनों के विधायक की सामने, उनके सामने ही चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन जनता ने बड़े मार्जिन से मुझे जिताया। और तीसरी बार का जब सांसद का चुनाव लड़ा तब भी 10 साल कांग्रेस के पास ये उत्तर मुंबई की सीट थी और उसको भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने में मुझे कामयाबी इसलिए मिली कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मतदाता डटकर मेरे साथ में खड़े रहे। पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता डटकर साथ में खड़े रहे, लेकिन गोपाल शेट्टी जी अगर बात की जाए तो जैसे आपने बताया कि पार्षद और साथ ही आपने कहा कि हमारे परिवार में राजनीति कहीं से नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जब बात की जाए एक मिल मजदूर परिवार से आप बिलोंग करते हैं सर, वहाँ से लेकर जिस तरीके से राजनीति शुरुआत की गई जब आप संगठन में थे, कई संगठनों के साथ में भी आपने काम किया है, तब से क्या यही था कि जो झोपड़पट्टी वासी हैं, जो स्लम के लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर आप शुरू से जब पार्षद नहीं थे उसके पहले भी लड़ते रहे, तो क्या ऐसा क्या कुछ रुचि जब आप एजुकेशन कर रहे थे पढ़ाई के दौरान से ही ऐसी रुचि थी?
स्वाभाविक पढ़ाई के दौरान ही था, क्योंकि पढ़ाई भी मैं बहुत कर नहीं पाया, घर के हालात बहुत ख़राब थे, तो पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। मैं स्किल डेवलपमेंट का प्रोडक्ट हूँ, मैं बचपन से ही डाई मेकिंग का काम सीखा, टर्नर फिटर वेल्डर ये सारे काम सीख कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। साधना इंडस्ट्री स्टेट में 1000 स्क्वायर फीट का मेरा स्वयं का एक साइनाथ इंजीनियरिंग नाम का व्यवसाय मैंने प्रारंभ किया, और फाइनेंशियली भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा पहले दिन से आज भी वैसा ही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ मिला। और जैसा आपका इस शो का ही नाम है नीति और राजनीति, मेरे पास राजनीति नहीं है, नीति है, और नीति बहुत स्पष्ट है, और मैं ये मानता हूँ कि आपकी नीति अगर बहुत स्पष्ट है तो फिर लोग आपके साथ में आ जाते हैं। आप राजनीति करने के लिए नीति का उपयोग करो तो उसमें सफलता मिलती नहीं है, लेकिन आपकी नीति अगर स्पष्ट है तो फिर राजनीति में भी आपको सफलता मिलती है। मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि भी ये हो सकता है कि मैंने लोगों का विश्वास जीता है, और लोगों का विश्वास कोई भी व्यक्ति तब जीत सकता है कि आपकी नीति अगर स्पष्ट हो तो, और यही मेरा सबसे बड़ा हथियार कहिए, औजार कहिए, जो भी कहिए वो यही है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो नीति जो है सबसे बड़ा हथियार है, अगर नीति के हिसाब से काम करता है तो आदमी राजनीति में सफल होता है। जैसा कि गोपाल सेट्टी जी ने कहा कि मेरे पास नीति है, राजनीति नहीं, लेकिन नीति के तहत मैं काम करता हूं, जिसके तहत मैंने लोगों का विश्वास जीता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। एक बहुत बड़ा ताकत अगर किसी एक पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है, और इन सारे बातों को लोग बहुत ही नज़दीक से गौर करते हैं, उसको जांचते हैं, उसको परखते हैं, और ख़ास करके जो हमारा युवा वर्ग पढ़ लिख कर माँ बाप ने बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा कर तैयार किया है, तो उसका पूरा बेनिफिट जो है, उसका लाभ जो है, वो देश के हित में हमारे आज के युवा वर्ग करते हैं, और यूपी के चुनाव में भी आप देखेंगे उसका रिजल्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नीति राजनीति में। नीति राजनीति में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मुंबई बीजेपी सांसद गोपाल सेट्टी जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, गोपाल सेट्टी जी, आपने बताया कि नीति के हिसाब से आप काम करते हो, नीति के ही तहत आपने लोगों का विश्वास जीता है। राजनीति की हम बात करते हैं, जिस तरह से आज देश की राजनीति चल रही, उठापटक चल रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार की उठापटक की राजनीति जो लोग करते हैं, उसको अपनी जगह दिखाने का काम भी लोकशाही में जनता ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, इसलिए तो 2 सीट से लेकर अनेक राज्यों में हम राज कर रहे, देश में किसी को भी लगता नहीं था, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं को भी लगता नहीं था कि हमारी सरकार देश में आ सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे एक प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए, और उनका भी नीति इतना स्पष्ट था कि जो कुछ भी हमको करना है हमको जनता के लिए करना है, हमको जो कुछ भी करना है देश का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए करना है। और लोगों की आवश्यकता भी यही था कि सामान्य व्यक्ति भी चाहता था कि मेरा देश खड़ा रहे, मेरा देश स्वाभिमान के साथ खड़ा रहे। जो सुखी संपन्न पैसे वाले लोग हैं उनको भी सिक्योरिटी तो चाहिए ना, पैसा सब कुछ नहीं है, तो उनको भी ये लगता था कि मेरे देश के जो गरीब लोग हैं, नीचे के तबके के लोग हैं, वो ऊपर उठे, उनको उनका जीवन मान का दर्जा सुधरे, और जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम पूरे जगत में लोग स्वाभिमान से ले, यही उनकी भी ख्वाहिश थी। और ये सब ख्वाहिश कौन पूरा कर सकता है, तो एक फिगर उनको दिखाई दिया कि नरेंद्र मोदी जी ये कर सकते हैं, और सारे देश के लोग डट कर खड़े रहे उनके पीछे। देखते देखते बहुमत की सरकार आ गई, और सरकार आने के बाद में जो 2.5 साल से मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, यही बताता है कि नीति कितनी स्पष्ट है। और आपकी नीति अगर स्पष्ट हो तो आपको न जानने वाला पहचानने वाला भी व्यक्ति आपके साथ में चलने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसका एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि मुझे अगर मैं कुछ पाता नहीं हूँ तो खोना मुझे कुछ नहीं इनके साथ में। तो ये नीति का सबसे बड़ा एक ताकत है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, नीति का सबसे बड़ा ताकत है। लेकिन गोपाल सेट्टी जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति की जिस तरीके से अभी आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे देश में राजनीति जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हुई, जिस तरीके से 3 तलाक को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही कुछ पॉलिटिकल नेताओं द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में जहां एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस जो है तरह तरह के सवाल, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए थे कि आखिर सरकार प्रूफ दे, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही स्वाभिमान प्राप्त करके देने वाला विषय है, इसलिए मैं मानता हूँ कि इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जाकर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो करना चाहिए था, जो लोगों की आशा अपेक्षाएं थी, वो उन्होंने करके बताया। कांग्रेस और बाकी के कोई भी अगर इसका विरोध करते हैं तो उनका चेहरा खुलकर लोगों के सामने आया। भारतीय जनता पार्टी को तो दुगना फायदा होगा इसमें, जो कुछ किया उसका लाभ मिलना था वो मिल गया, और सामने वालों ने उसको एक्सेप्ट करने की जो आवश्यकता थी वो उन्होंने किया नहीं था,
तो इतना लंबा समय लगा लोगों को कांग्रेस का चेहरा जानने के लिए, पहचानने के लिए, वो भी सामने आ गया। इसलिए आप अगर सच्चे हो, आप अच्छे हो, आपकी नीति स्पष्ट है, तो जितना आप करते हो उससे ज़्यादा आपको गेन होता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक में देश के लोगों को देखने के लिए मिला। लेकिन गोपाल सेट्टी जी, सवाल ये भी खड़ा हुआ कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रूफ बताए सरकार, वहीं संजय निरुपम जी ने फर्जी बताया था सर्जिकल स्ट्राइक को। संजय निरुपम जी ने क्या बताया ये भी देश के लोगों ने देखा, उसके बाद में कांग्रेस ने किस प्रकार से रिएक्ट किया ये भी देश के लोगों ने देखा। इसलिए इतने गंभीर विषय पर जब संजय निरुपम मैदान में उतरे थे, तब मेरे दिमाग में ये जरूर आ गया था कि ये सिर्फ संजय निरुपम का बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का बयान है। और उसके बाद में हम सब लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी भी उतरे, यानी ऊपर से ये तैयार हुआ था कि इसको इस प्रकार से हमको आगे चलाना। लेकिन देश के लोगों ने मुँह तोड़ जवाब जिस प्रकार से दिया, खास करके हमारे युवा वर्ग ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से जो जवाब दिया, कांग्रेस को बहुत ही कम समय पर अपने औकात को पहचानते हुए अपने जगह पर जाना पड़ा। इतनी बड़ी ताकत आज देश के लोगों में युवा शक्ति के माध्यम से निर्माण हुआ है, और मैं मानता हूं कि ये सारा इसका जो लाभ है ये देश को होगा आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी को जितना होगा वो तो होगा ही, लेकिन देश को होगा। और देश को होना यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, समझ है, उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात अगर बात की जाए, जिस तरह से अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, बात की जाए केंद्र में, आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चालू है, और अब जाकर नगरपालिका चुनाव में युति की लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, कहीं ना कहीं अब विराम लग चुका है क्योंकि अब दोनों पार्टियां युति में ही चुनाव लड़ेंगी। क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या वजह होती है कि बीच में चीजें एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है सत्ता में रहने के बाद भी जो है आपकी पार्टी पर किया जाता है शिवसेना द्वारा? मैं मानता हूं कि मेरे सवाल का जवाब आपने ही दिया है कि अभी विराम लग चुका है, तो मुझे लगता है कि विराम जब लग चुका है तो इसके बारे में हमने ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में भी जो भी बनाव पिछले दिनों में बना है वो हम जैसे छोटे लोगों ने अनाप शनाप वक्तव्य देने के वजह से हुआ है। तो मैं मानता हूं कि अब जब विराम लग ही गया है तो कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता ने इसके बारे में कोई टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। लेकिन गोपाल सेट्टी जी, विराम जरूर लग गया, सवाल तब भी खड़ा होता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तभी शायद इस तरह के जो है अटकलें शुरू होती हैं। हाल ही में जो है आपकी पार्टी के जो है सांसद थे जो है किरीट सोमैया जी ने कहा कि बीजेपी किसी भी प्रकार से अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से कल फिर दोनों पार्टियों की मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया, वजह क्या होती कि चुनाव के दौरान ही उठापटक देखने को मिलता है? नहीं, मैं इसके बारे में बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक जरूर याद दिला देना चाहूँगा आपको कि ये बात चर्चा में है, क्रिकेट और पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, यही उसका उत्तर है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आज हम यूपी की बात करें, यूपी चुनाव नज़दीक है, यूपी में जिस तरह से सपा का महाभारत, पारिवारिक महाभारत मचा हुआ है, ऐसे में क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे यूपी की राजनीति को लेकर? नहीं देखिए, मैं हमेशा ये मानकर चलने वाला व्यक्ति हूँ कि आप अगर सच्चे हो, आप अच्छे हो, तो कुदरत नाम की जो चीज़ है वो आपको एक प्लेटफॉर्म, एक वातावरण निर्माण करके देने का काम हर वक्त होता है। और यूपी का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो मैं मानता हूं कि भगवान देश के हित में जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और फिर यहां पर वापस आपका नीति और राजनीति का सवाल आकर खड़ा हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी की नीति बहुत स्पष्ट है, उनको देश के सभी राज्यों को सुखी संपन्न करते हुए आगे बढ़ना है, और यूपी का भी वातावरण जिस प्रकार से निर्माण हुआ है ये संकेत देता है कि भाई फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदा बड़े पैमाने पर जीत कर आ जाते हैं, और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होना अगले 2019 के लोकसभा की चुनाव के लिए लोगों ने मैंडेट दिया है, ऐसा भी हमको मानकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए यूपी का चुनाव बहुत मायने रखता है। हमारा पार्टी का जो कैडर है, पार्टी का जो लीडरशिप है, आज भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली वन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी ऐसी है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, बहुत सारे नेताओं का एक बहुत बड़ा ताकत अगर किसी एक पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और इन सारे बातों को लोग बहुत ही नज़दीक से गौर करते हैं, उसको जाँचते हैं, उसको परखते हैं, और ख़ास करके जो हमारा युवा वर्ग पढ़ लिख कर माँ बाप ने बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा कर तैयार किया है, तो उसका पूरा बेनिफिट जो है, उसका लाभ जो है वो देश के हित में हमारे आज के युवा वर्ग करते हैं। और यूपी के चुनाव में भी आप देखेंगे उसका रिजल्ट लोग किस प्रकार से देंगे। बिल्कुल देखेंगे कि यूपी चुनाव के बाद यूपी में सरकार किसकी बनती है। जिस तरीके से गोपाल सेट्टी साहब ने कहा कि आने वाला समय जो है बताएगा कि यूपी में किसकी सरकार आती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर से कहना है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है
जो अब नीति के हिसाब से काम करती है। लेकिन अगर दो बात की जाए तो महाराष्ट्र सरकार को भी 2 साल पूरे हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार किस नीति पर काम कर रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति किस नीति पर चल रही है। आप एक बहुत बड़ा बैकलॉग को लेकर जब चलते हो तो साहब सबसे पहले तो आपको बैकलॉग क्लियर करना होता है। महाराष्ट्र के सरकार की तिजोरी में या तो देश के सरकार की तिजोरी में कोई पैसा तो कांग्रेस के लोग छोड़ कर नहीं गए, महाराष्ट्र की जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा कर्जा कर कर चले गए, टैक्स बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं, अनाप शनाप सब झंझट झमेले और लोगों के आशा अपेक्षाओं को छोड़ कर गए। बिल्कुल गोपाल सेट्टी जी, एक और लड़ाई आप काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे, सीओडी की जिस तरीके से बात थी उसको लेकर फैसला भी आ चुका है, लेकिन कई अन्य पार्टियों के लोग भी श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए। देखिए मैं फिर एक बार बताऊंगा कि मेरा काम है काम करना, श्रेय कौन लेता है ये उनका विषय है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नीति राजनीति में। नीति राजनीति में हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद गोपाल सेट्टी जी। क्या कहना चाहेंगे, महाराष्ट्र की सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, महाराष्ट्र की सरकार की नीति क्या है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक हम देखें तो महाराष्ट्र में कितना विकास हुआ है? देखिए अगर आप विकास की बात करेंगे तो 2 साल में कितना विकास हुआ है इसके बारे में भी हमको चर्चा करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में लगातार कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने पिछले 15 साल में राज किया महाराष्ट्र का, तो उन्होंने महाराष्ट्र को कितने पीछे ले गए इस बात का भी हमको चर्चा करना पड़ेगा। और किसी एक लोकशाही वाले देश में जब कोई नई सरकार चुनकर आती है तो 2 साल का समय कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है। मैं दोनों बातों को रखना चाहूँगा। आप एक बहुत बड़ा बैकलॉग को लेकर जब चलते हो तो साहब सबसे पहले तो आपको बैकलॉग क्लियर करना होता है। महाराष्ट्र के सरकार की तिजोरी में या तो देश के सरकार की तिजोरी में कोई पैसा तो कांग्रेस के लोग छोड़ कर नहीं गए, महाराष्ट्र की जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा कर्जा कर कर चले गए, टैक्स बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं, अनाप शनाप सब झंझट झमेले और लोगों की आशा अपेक्षाओं को छोड़ कर गए। तो इन सारे बातों में से सरकार का सबसे पहले काम यह होता है कि आप लोगों का विश्वास एक बार जीत लो, भाई चुनकर आए इनको हमने चुनकर दिया है कुछ करेंगे। और मुझे इस बात का गर्व है कि देवेंद्र फडणवीस जी जैसे सक्षम बुद्धिमान युवा नेतृत्व महाराष्ट्र को मिला है और उन्होंने पूरी अपनी जितनी भी ताकत है उसको झोंक दी है इस सारे कामकाजों को ठीक करने के लिए। और निश्चित महाराष्ट्र के लोगों को ये लग रहा है कि कुछ होगा आने वाले दिनों में, कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है ये महसूस लोग करते हैं, यही महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित जो 70,000 करोड़ रुपया खर्चा सिंचन के ऊपर करने के बाद में महाराष्ट्र के किसान जिस प्रकार से हैरान परेशान थे, महाराष्ट्र के सरकार ने लोगों के पास से पैसे मांगकर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जल शिवार योजना को जिस प्रकार से प्रारंभ किया, जिस प्रकार से उसको बढ़ाया उन्होंने, और पानी का लेवल महाराष्ट्र में कितने पहले ही साल के बरसात में बढ़ा है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वाइब्रेशन नाम की जो चीज़ है हम एक देखते हैं या तो बात करते हैं या तो चर्चा में आती है, आपको मुझे हर व्यक्ति को लगता है कि एक वाइब्रेशन ये तो निर्माण हुआ रोज अखबार लेने के बाद में, आज यहाँ पर किसानों ने आत्मा किया, आज यहाँ पर ये हुआ, आज वहाँ पर वो हुआ, ये बातें सुनने के लिए मिलता था। कम से कम पिछले कुछ दिनों में ये तो रुक सा गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये समाप्त हो जाए और लोगों को एक अच्छा दर्जेदार जीवन किसानों को जीने के लिए मिले, और उस दिशा में महाराष्ट्र की सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार आगे बढ़ रही है। गोपाल सेट्टी जी, अगर जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों से पैसे मांगकर किसान को राहत देने की बात की, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में एक बात की जाए, अभी पिछले दिनों जिस तरीके से फिल्म को लेकर रिलीज को लेकर मनसे ने एक बड़ा विरोध जताया था, जिसके बाद 5 करोड़ रुपए की मांडोली हुई थी, लगातार इस पर सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, आखिर सत्ता किसकी है, बीजेपी की या मनसे की? देखिए मनसे को भी मालूम है कि सत्ता बीजेपी की है, और इस प्रकार के आरोप लगाना ये लोकशाही वाले देश में कोई नई बात नहीं है। और मीडिया आरोप जब लगता है तो ही उसको इश्यू बनाती है। देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, ऐसे नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी भी अगर कहते हैं तो न्यूज़ बनने वाला नहीं है। तो न्यूज़ अगर क्रिएट आपको करना है तो इस प्रकार की बातें तो आपको करनी पड़ती है। मैं मुंबई महानगर पालिका में, गोपाल सेट्टी जी, बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप कानून व्यवस्था आपके हाथ में है और वहां पर जब ये कहा जाता है कि हम फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, बाद में जो है खुद मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग होती है, फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन और जो है मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मीटिंग होती है, 5 करोड़ रुपए की मांडोली डील होती है कि 5 करोड़ रुपया फिल्म एसोसिएशन की तरफ से दिया जाएगा, उसके बाद फिल्म रिलीज होने की परमिशन दी जाती है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। देखिए कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा होना
किसी एक व्यक्ति के प्रेस्टीज पर, उसके आबरू के ऊपर कोई सवाल किसी ने खड़ा करना, इससे विषय तो बनता है लेकिन उसकी विश्वसनीयता कितनी लोगों के गले उतरती है, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने से वो आरोप तो सिद्ध होता नहीं है। आरोप लगाने वाला क्या, कौन है, उसका कामकाज क्या है, उसकी नीति क्या है, उसका भूतकाल क्या है, ये भी तो लोग जानते हैं ना, ये भी तो लोग जानते हैं। और ये जानने के बाद में फिर उसका मत बनाते हैं। कोई भी एक व्यक्ति मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का हो या तो कोई नेता हो, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठा के सामने तो कोई पैसा, कोई डोनेशन तो कोई बड़ा होता नहीं है। और इस प्रकार के विषय तो आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। इसलिए हम इस प्रकार के जो भी आरोप लगते हैं उसके ऊपर बहुत हम गहराई से उसका चिंता भी नहीं करते। हम अपने विचारों को लेकर, अपने नीति को लेकर राजनीति में काम करते हैं। सामने वाला क्या कहता है ये देखना हमारा काम नहीं है। हमको क्या करना है, हम राजनीति में क्या लेकर आए हैं, ये इसके बारे में हमारी पार्टी और पार्टी के नेताओं का विचार एकदम बहुत स्पष्ट है। इसलिए कोई भी इस प्रकार के उटपटांग आरोप लगाते तो उससे कोई हम लोग विचलित होने वाले नहीं है, उसमें हमारे कामकाज करने के तरीका में भी कोई फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से सवाल जरूर खड़ा होता है, जैसे आपने भी कहा कि ऐसे सवाल खड़े होते रहेंगे, क्योंकि असमंजस में इसलिए होता है क्योंकि सत्ता आपके पक्ष में है और इस तरह से कोई पार्टी विरोध करती है, बाद में डील होती है, फिर फिल्म को रिलीज करने दी जाती है, ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन गोपाल सेट्टी जी, जिस तरीके से बात की जाए, उत्तर मुंबई के विकास की कई परियोजनाओं को आपने जो है अपने हाथों से शुभारंभ किया और उसको माथे तक पहुँचाया भी है, लोगों के हित तक पहुँचाया, उन परियोजनाओं के बारे में भी हम जानेंगे। बहुत सारे विषय, बहुत लंबा यादी है और लोग उससे भलीभांति परिचित है, इसलिए तो मुझे हर बार चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट देने का काम जनता करती है। छोटे काम, झुगड़ झोगी झोपड़पट्टी में लाइट पानी शौचालय से लेकर आज जिस जगह पर हम लोग पोईसा जिमखाने में बैठे हैं, 10 एकड़ का भूखंड को विकसित करने का जन सहभाग से मुंबई महानगर पालिका हमारी आज 40,000 करोड़ तक पहुँची है। वहाँ से पैसा ला कर करना एक अलग बात होता है, आम लोगों से पैसा इकट्ठा कर कम पैसे में निर्माण करना एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये मैं नहीं मानता हूँ तो हमारे मतदाता इसको मोहर लगा चुके हैं। तो अच्छा लगता है जब लोगों के पास है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो मुझे मेरे काम पर और ज़्यादा गर्व होता है कि मैं तो ये बात को पहले से ही लेकर चला हूँ, आपके जानकारी के लिए मैं पहला व्यक्ति ऐसा होऊंगा जो, मैं राजनीति भी में नहीं आया तो जो बस्ती में मैं रहता था वहाँ पर हमने ये दत्तक बस्ती योजना जो अभी मुंबई महानगर पालिका ने चलाया है, ये मैंने राजनीति में आने से पहले ही, हम बस्ती के लोग उन दिनों में 5 रुपया निकाल कर सब बस्ती की साफ सफाई करते थे। आज मैं 6 बार चुनकर आने के बाद में भी जिस बस्ती में मैं 55 साल अपने जीवन के मैंने गुजारे, आज भी हम लोग भी वो व्यवस्था चलाते हैं। ये नहीं कि मैं नगर सेवक बन गया तो लोगों के पास से 5 रुपये लेना बंद करके महानगर पालिका के अधिकारियों को लगाया, नहीं, आज भी हम लोग वही करते हैं। इसलिए मुझे गर्व इस बात का होता है कि दत्तक बस्ती योजना मेरी जो थी वो महानगर पालिका ने उसको स्वीकारा। डायलिसिस सेंटर का मैंने प्रारंभ किया, आज मेरे उत्तर मुंबई में 8 डायलिसिस सेंटर है, इसको बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, महानगर पालिका ने एक्सेप्ट किया और मैं सांसद बनने के बाद में मोदी जी ने भी गए बजट में पूरे देश भर में डायलिसिस के लिए पैसा उपलब्ध करके दिया। जो गार्डन और प्लेग्राउंड को मैंने प्रारंभ किया लोक जनसभा से करने का, वो गार्डन प्लेग्राउंड आज सारी मुंबई महानगर पालिका और सारे राजनीतिक पार्टी के लोग उस काम में लगे हुए, इस बात की मुझे खुशी है। मैं वर्तमान में इन दिनों में जो चूल्हा बांटने का काम कर रहा हूँ, गैस का कनेक्शन उत्तर मुंबई में, मैं कल दिवाली तक, आज 2 कार्यक्रम है, कल एक कार्यक्रम किया, 10,000 लोगों के घर में मैंने सिलेंडर का कनेक्शन पहुँचाने का काम किया। जनदाताओं के लोगों से मदद लेकर लोगों को चूल्हा फ्री में देने का काम किया, ये इतना बड़ा काम हुआ है। ये प्रोजेक्ट को धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ऑल इंडिया इसको कर दिया, ये स्कीम को उज्ज्वला प्लस के नाम पर, ये सारे देश भर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है, मेरे कार्यकर्ताओं ने जो साथ और सहयोग मुझे दिया, जो भी स्कीम को मैंने लाया उसको मैंने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, उसको सफल करने का प्रयास किया और ये सफल होने के बाद में दूसरे तीसरे चौथे लोगों ने उसको एडॉप्ट करके समाज तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि और इससे बड़ा उसको आनंद देने वाला कोई विषय हो नहीं सकता है। बिल्कुल गोपाल सेट्टी जी, एक और लड़ाई आप काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे, COD की जिस तरीके से बात थी उसको लेकर फैसला भी आ चुका है, लेकिन कई अन्य पार्टियों के लोग भी श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर एक बार बताऊंगा कि मेरा काम है काम करना, श्रेय कौन लेता है ये उनका विषय है। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो मैं करता हूं तो उसका श्रेय मुझे जनता ने पहले दिन से आज तक दिया है, इसलिए मैं उस बारे में बहुत चिंतित नहीं हूं। COD का विषय परिकर साहब ने सवाल किया, इसलिए मैं निश्चित बहुत ही समाधान व्यक्त करता हूं।
क्योंकि ये इतना गंभीर मसला है, लेकिन मुझे एक बात की बहुत गुस्सा कहिए या तो व्यवस्था के साथ में मेरा जो लड़ाई है वो इसलिए है कि ये अनवांटेड सर्कुलर था, इसका कोई लॉजिक नहीं था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये कोई नियम में नहीं बैठता है। उसके बावजूद भी इतने बड़े देश में लोगों को 6 साल अपने घर से वंचित रहना पड़ा। पॉलिटिशियन से लेके न्यायालय तक, मैं बहुत जवाबदारी के साथ में कहना चाहता हूँ, मैं जब आपके टीवी में बात करता हूँ तो ये सारे देश के लोग देखने वाले हैं, मेरी न्यायालय के प्रति भी मेरा गुस्सा है, मेरा थोड़ा मन मुटाव है, क्योंकि जब सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है तो न्यायालय ने न्याय देना चाहिए। 1903 का डिफेंस का एक्ट ये कहता है कि आपको कोई भी जमीन संपादन किए बगैर आप किसी का हक नहीं छीन सकते हो, जमीन संपादन करके उसको पैसे देकर आप कर सकते हो। पार्लियामेंट को पूरा ताकत है देश के लिए कायदा बनाने का। तो मेरा ये कहना है कि नियम बनाइए, 500 ने 1000 मीटर का सब जमीन ले लो, लोगों का जमीन ले लो, लोगों को उनके पैसे दे दो, मुआवजे दे दो, आप ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई एक ऑफिसर एक सर्कुलर निकाल कर लोगों के 6 साल काम को रोके और हमारी मुंबई महानगर पालिका जो ऑटोनॉमी बॉडी है जिसको पूरा स्वायत्ता दिया है वो इसके बारे में कुछ करता नहीं है। महाराष्ट्र के सरकार ने देवेंद्र फडणवीस जी आने के बाद में तुरंत दूसरे तीसरे महीने में उन्होंने 2010 का सर्कुलर को खारिज कर दिया, उसके बाद में 2 GR उन्होंने निकाला, लेकिन जब तक ये केंद्र से इसकी समाप्ति होती नहीं थी तो ये मसला का अंत नहीं था। इसलिए धर्मेंद्र मनोहर पर्रिकर जी ने इसको एक सर्कुलर निकाल कर सिर्फ मुंबई और उत्तर मुंबई को ही नहीं, भले देर लगा हम लोगों को, लेकिन ये सर्कुलर का लाभ आज पूरे देश भर के लोगों को होगा, इस बात की मुझे खुशी है। निश्चित इस काम में मेरे पार्टी के विधायकों ने, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मेरे पार्टी के नेताओं ने, खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, इन सारे लोगों ने भी काम किया है। मैं साथ साथ में ये भी कहूँगा कि श्रेय कौन लेता है इसको अगर छोड़ते हैं तो अन्य पार्टी के लोगों ने इसके बारे में बहुत बड़ा आंदोलन भी नहीं खड़ा किया, इस बात को भी हमको ध्यान में लेना पड़ेगा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सत्ता में नहीं होते तो हमने तो इस विषय को चरम सीमा तक पहुंचाया होता, लेकिन जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो उन्होंने इसको जितना गर्म करना चाहिए था, लोगों के समर्थन में जितना लड़ना चाहिए था वो कोई लड़े नहीं। अब जब ये काम हुआ है तो स्वाभाविक है सब लोग कहते हैं कि मेरे वजह से हुआ है, मेरे वजह से हुआ है। मैं उस बारे में बहुत ही निश्चित हूँ, मैं हमेशा जीवन में मानकर चल रहा हूँ कि आप कोई एक काम से बहुत बड़े होने वाले नहीं हो, और एक काम अगर आपसे नहीं हुआ तो आप ख़त्म हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। काम करते रहना चाहिए, बड़ा मन बनाकर काम करना चाहिए, जितना श्रेय आपको लेना उतना आप ले लीजिए, जितना श्रेय आपके साथ में लोगों ने काम किया उसको भी दे दीजिए, और यह होने के बाद भी आपके जानकारी के माध्यम से आपके टीवी जो भी दर्शक देखते होंगे, मैंने बहुत बड़े मन से लोकशाही का कदर किया है, मैंने लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि समस्या का निपटारा तो हो गया लेकिन 6 साल जो आपको हैरानी परेशानी झेलनी पड़ी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मैंने माफ़ी भी मांगी लोगों से, ये मैंने लोगों से माफ़ी मांगी, इसलिए मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं तो जो 6 साल लोगों को हैरान परेशान हुआ उसके लिए आज भी मैं दुखी हूँ। मैं जानता हूँ एक छोटे परिवार से आया हुआ व्यक्ति हूँ, किसी व्यक्ति को 15,000-20,000 रुपया घर का भाड़ा भरना कितना दुखदायी, कितना कष्टदायी होता है, इसको मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मैं तो आज भी आपके टीवी के माध्यम से फिर एक बार पूरे उत्तर मुंबई और पूरे देश के लोगों की माफ़ी चाहूँगा, और साथ साथ में मैं मनोहर पर्रिकर जी को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें सारे देश के लोगों की समस्या का समाधान किया है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समस्या समाधान होनी चाहिए, लाभ जनता को मिलना चाहिए, श्रेय किसको जाता है ये तो बाद में देखने वाली बात होती है, लेकिन उस तमाम योजनाओं का क्या जनता तक लाभ पहुंचता है ये सवाल जस का तस बना रहता है। क्योंकि आज भी अगर हम बात करें देश में, जिस तरीके से गोपाल सेट्टी जी ने कहा कि सरकार नीति पर काम कर रही है, जब आप नीति पर काम करते हो तो राजनीति अपने आप बनती जाती है और आप राजनीति के प्रखर पर पहुंच सकते हो, लेकिन जब आपकी नीति नहीं सही होगी तो आप राजनीति में सफल नहीं होगे। जिस तरीके से गोपाल सेट्टी जी ने अपने सभी सवालों का बड़ी ही सरलतापूर्वक जवाब दिया, और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से सरकार की नीतियाँ चल रही हैं और सरकार किस तरह से राजनीति और नीति पर काम कर रही है, इसके लिए गोपाल सेट्टी जी धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गोपाल सेट्टी जी ने कहा कि सरकार की नीति एकदम साफ सुथरी है और देश के लोग जो है अब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी अन्य राजनीतिक नेता के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।